हेलो एंड वेलकम। तो आज की स्पेशल रेसिपी है एग फ्लान, या आप इसे एग पुडिंग भी बोल सकते हैं। बहुत ही इजी, सिर्फ आपको चार चीज़ों की ज़रूरत है और बिना ओवन के आप इसे स्टीम करेंगे गैस पे और ये रेडी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कैरमल रेडी करेंगे, तो उसके लिए आपको चाहिए 4 चम्मच शक्कर, इसमें डालेंगे 1 चम्मच पानी। अब इसे आप मिक्स नहीं करेंगे, जब शक्कर घुल जाए तब आप इसे चम्मच की मदद से थोड़ा मिक्स करेंगे, और फिर जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसको निकाल लीजिए। बहुत जल्दी जल जाती है तो ध्यान रखें। अब इसे आप एक केक मोल्ड में डाल देंगे, और गर्म है तो आपको ध्यान देना है, ये बहुत जल्दी सेट भी हो जाती है, तो आप फौरन ही इसे ऐसे इस तरीके से स्प्रेड कर लीजिए। अब एक बड़े बोल में आप 6 अंडे लेंगे। अंडों को आपको हल्के हाथ से मिक्स करना है, इसमें ज़्यादा बबल्स नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा बबल्स होएगी तो आपकी पुडिंग का टेक्सचर जो है वो अच्छा नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा। अब एक पैन में आप 1.5 कप दूध लेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप शक्कर। अब दूध को आपको बॉईल नहीं करना है, खाली पकाना है अच्छा गर्म होने तक, और ताकि आपकी जो शक्कर है वो अच्छे से घुल जाए इसमें। जब शुगर पूरी मेल्ट हो जाए तो आपने जो एग्स लिए हैं उसमें आप ये डाल देंगे। अब इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। फिर मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच वनीला एसेंस, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और आपने जो कैरमल सेट किया था आप चेक करेंगे कि वो सेट हुआ है कि नहीं, फिर जो आपने एग रेडी किया है वो इसमें छान कर डाल देंगे, इससे टेक्सचर अच्छा आएगा पुडिंग का। अब मैंने एक बड़ा से वेसल लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि हम पुडिंग स्टीम करेंगे। अब इसको ढकेंगे पहले स्टीम बनने के लिए, फिर जब वो रेडी हो जाए तो इसमें जो आपने पुडिंग का मिक्सचर रेडी किया है वो उसे रख देंगे, और इसे फॉइल से ढक देंगे आप, ताकि इसमें पानी नहीं जाए। फिर आप ढक के हल्की आंच पे एकदम 20 मिनट के लिए ही पकाएंगे। 20 मिनट बाद आप चेक करेंगे टूथपिक डाल के कि वो रेडी हुई है या नहीं पुडिंग, और फिर इसे निकाल के आप 4 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद फिर स्लाइटली आप इस तरीके से लूज़ करेंगे पुडिंग को, और फिर उसको सर्व करिए। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली, इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, मेरे लेटेस्ट वीडियोस चेकआउट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।